हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहि सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया, हजरत हारून पर, अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मा मनाका इधर आई तुम गल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं। तो हजरत हारून ने क्या कहा, बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का, ला यबना उम्मा, ऐ मेरी अम्मा के बेटे, ऐ मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है, माँ का वास्ता मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा तो अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया, वो मोहब्बत वब्बत ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें, अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा लेकिन वो जितलाते नहीं है, वो कहते हैं तमीज से ज्यादा लाट कर दिखाओगे ना अब्बा, ये होगा तमीज से बैठ वहाँ जाके आराम से, ठीक है ना, तमीज माओ को ज्यादा तमीज नहीं, माओ को लाट चाहिए।